हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और इनो में क्या डिफरेंस है, जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये तीनों चीजें कहाँ और कब आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे बेकिंग सोडा है तो वो आप यूज कर सकते हैं जहाँ आपको इंस्टेंट बेकिंग चाहिए हो या इंस्टेंट राइस करना हो, कोई चीज फ्लफी चाहिए हो, जैसे पकौड़ी में आप डाल सकते हैं, ढोकला में डाल सकते हैं, कुकीज में डाल सकते हैं, जहां बहुत फास्ट आपको कोई रिएक्शन चाहिए हो और जल्दी बनाना हो तो वहां आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा जो है वो अकेले एक्टिवेट नहीं होता, उसको एक खट्टी एसिडिक चीज की जरूरत होती है साथ में एक्टिवेट होने के लिए। तो बेकिंग सोडा के साथ आपको एक खट्टी चीज यूज करें, चाहे वो नींबू हो, दही हो, बटर मिल्क हो, विनेगर हो, ऐसे कोई भी आप खट्टी एसिडिक चीज यूज करें बेकिंग सोडा के साथ, तभी उसका एक्टिवेशन होगा और उसका काम प्रोसेस स्टार्ट होगा। और अब आते हैं हम बेकिंग पाउडर के ऊपर। तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और एसिडिक एजेंट ऑलरेडी मिला हुआ होता है, तो उसमें हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप जो है एक्टिवेट हो जाता है। और बेकिंग पाउडर यूज होता है जहां ज्यादा देर हम बेक करते हैं चीजों को, ज्यादा राइस करने के लिए, जैसे केक्स हैं, मफिन्स हैं, कपकेक्स हैं, बेकरी आइटम्स में यूज होता है। और अब बात करते हैं इनो की। तो इनो एक कॉम्प्रोमाइज ऑप्शन है, जब आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इनो भी यूज कर सकते हैं। इनो बिल्कुल बेकिंग पाउडर जैसा ही है, जिसमें बेकिंग सोडा प्लस एक एसिडिक एजेंट मिला हुआ होता है, तो वो अकेला ही काफी होता है, उसमें और कुछ हमें डालने की जरूरत नहीं होती उसे एक्टिवेट करने की, इट इज इटसेल्फ इनफ। तो अब हम आपको क्विकली दिखाते हैं कि तीनों में अगर हम गुनगुना पानी डालें तो सबका रिएक्शन क्या है तीनों चीजों का। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का आपको दिखाते हैं कि बेकिंग सोडा में हमने ये देखिए गुनगुना पानी हम डालेंगे और इसका क्या रिएक्शन होता है। तो ये देखिए पानी के साथ हमने इसको मिक्स किया है और इसका कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो अब हम इसे कोई खट्टी एसिडिक चीज के साथ मिलाते हैं, चाहे वो दही हो, नींबू हो, विनेगर हो, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। हम इसको आपको नींबू के साथ मिक्स करके दिखाते हैं और ये नींबू हमने इसमें डाल दिया है और ये देखिए कितना अच्छा राइज हुआ है, फौरन इसमें बबल्स आना शुरू हुए हैं और इसका जो है वो एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब सेम प्रोसेस हम बेकिंग पाउडर में करते हैं, हम कुछ गुनगुना पानी इसमें डाल के आपको दिखाते हैं कि इसका क्या रिएक्शन है। ये देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया है और इसका एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है। इसमें कोई भी साइट्रिक एसिड अलग से डालने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ सोडा और एसिड सब मिला हुआ होता है ऑलरेडी, बस ये एक थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जहां आपको लॉन्ग बेकिंग की जरूरत होती है, मफिन्स में, कपकेक्स में या केक्स बनाने में, जिसमें थोड़ा ज्यादा बेकिंग का टाइम चाहिए होता है, बेक करते हैं आप उसमें वो धीरे धीरे राइज होता है, वहां ये बेकिंग पाउडर यूज होता है मोस्टली। तो बेकिंग पाउडर जो है वो लॉन्ग प्रोसेस में यूज होता है, जैसे हम केक बनाते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है बेक करने में और वो ज्यादा राइज करता है बेकिंग सोडा के मुकाबले। अब देखिए हम इनो में पानी डाल के देखते हैं और ये भी बिल्कुल बेकिंग पाउडर की तरह अकेले ही काफी है, इनफ है, इसमें हमें अलग से कोई भी एसिडिक एजेंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई एसिड डालने की जरूरत नहीं, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है बिल्कुल बेकिंग पाउडर जैसे, और इसीलिए ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की रिप्लेसमेंट में यूज किया जा सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कन्वर्जन्स करना, जो बहुत इजी कर देगा क्वेरीज को, जब आपके पास कोई चीज अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह दूसरी चीज आप कितनी यूज करें वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे बेकिंग सोडा है वो आपको यूज करना है 1 टीस्पून, तो वो बराबर है इनो के 2 टीस्पून और वो इक्वल है बराबर है बेकिंग पाउडर के 3 टीस्पून। और इन मेजरमेंट्स को आप अपनी रेसिपी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।